मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भंत्री। बाबा जी बने उद्योगपति और उद्योगपति बने बाबा जी। कुल मिलाकर देश अजीब हालातों से गुजर रहा है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां देखते ही देखते दिवालिया हो रही हैं, वहीं बाबा जी बड़े उद्योगपति बनते जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही उद्योगपति और एक बाबा के बारे में। देखिए इस हमारी खास पेशकश में। जी हाँ, इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति कैलाश सहारा बाबा जी बन गए हैं। उनकी सालों पुरानी फर्म रुचि सोया बिक गई है और उसे खरीदा है देश के सबसे बड़े बाबा रामदेव ने। यानी उद्योगपति बाबा जी बन रहे हैं और बाबा जी की हिम्मत देखिए कि वे उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों को 4,000 करोड़ से भी अधिक में खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर देश अजीब हालातों से गुजर रहा है। किंगफिशर वाले विजय माल्या अरबों रुपए दबाकर विदेश भाग गए हैं और जेट एयरवेज देखते ही देखते दिवालिया हो गई। लेकिन बाबा जी का पतंजलि उद्योग दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति कर रहा है। देश के सारे उद्योगपतियों को बाबा जी से सलाह लेनी चाहिए कि वे अपने उद्योग कैसे चलाएं, और अगर नहीं चला सके तो कम से कम बाबा जी को सौंप दें ताकि बेरोजगार लोगों को काम तो मिल सके। अब आप ही सोचिए कि अगर रुचि सोया बंद हो जाती है तो जाने कितने लोग बेरोजगार होते। लेकिन बाबा जी ने समय रहते रुचि सोया को अपना लिया और इसका नतीजा ये है कि रुचि सोया अब चल निकलेगी और कम से कम सैकड़ों लोग बेरोजगार होने से तो बच जाएंगे। कैलाश सहारा इंदौर के जाने माने उद्योगपति थे और उन्हें इस बात का बड़ा गर्व भी था कि उन्होंने रुचि सोया को एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। लेकिन वो भूल गए कि समय बदल चुका है, उद्योगपतियों के उद्योग चलाने के तरीके फेल हो रहे हैं और बाबा जी के उद्योग चलाने के तरीके सफल हो रहे हैं। ऐसे में ये तो होना ही था कि कैलाश सहारा की लुटिया डूब जाती है और बाबा जी उनकी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।